सो हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स न्यूज आज हम एम कॉम फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा सब्जेक्ट है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम उसका एक सिक्सटीन मार्क्स का प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो कि आपको एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है और इसके आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है आ जाएगा कैसे करना है और समझते हुए इस वीडियो में हम चलेंगे इस सब्जेक्ट के हमने सिक्सटीन सिक्सटीन मार्क्स के प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे किए हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आप वहाँ जाए के देख सकते हैं ये जो वीडियो है इसका जो क्वेश्चन होने वाला है वो है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जिसको हम डीएसएस भी बोलते हैं ये आपको सिक्सटीन मार्क्स में एज इट इज आया है कि क्या होता है डीएसएस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एक्सप्लेन करो तो यहां पे हम इसको इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है जिन जिनका ये सब्जेक्ट है ठीक है तो सिक्सटीन मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है सब्जेक्ट है हमारा मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम एम कॉम फर्स्ट सेमेस्टर तो स्टार्ट करते हैं इसको समझना तो डिसीज़न सपोर्ट सिस्टम जिसे हम डी एस एस बोलते हैं ये होता क्या है तो अ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड टूल तो सबसे पहले ये एक टूल है कंप्यूटर बेस्ड जो हेल्प करता है लोगों के डिसीज़न लेने में तो क्या बोला है अ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इज अ कंप्यूटर बेस्ड टूल दैट हेल्प पीपल मेक डिसीजन बाय एनालाइजिंग तो ये क्या है? लोगों की हेल्प करता है डिसीजन लेने में क्या करके पहले एनालाइज करता है ये लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा प्रेजेंटिंग ऑप्शन एंड प्रिडिक्ट करता है आउटकम मतलब कि ये एनालाइज करेगा जो भी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है उसको फिर ये देखेगा प्रेजेंटिंग ऑप्शन और उसके बाद प्रिडिक्ट करेगा कि क्या आउटकम इसका हो सकता है ये प्रोवाइड करता है आपको यूजफुल इंसाइट्स ठीक है और रिकमेंडेशंस ये क्या है ईजी बना देता है मैनेजर के लिए और डिसीजन मेकर के लिए कि वो कैसे चूज़ करें एक बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन एक्शन स्पेशली वैन फेस्ड विद कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जब वो क्या है फेस कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ठीक है तो इन वेरी इजी लैंग्वेज डी क्या होता है कंप्यूट बेस्ड टूल है जो कि हेल्प करता है डिसीज़न मेकिंग में कैसे ये हेल्प करेगा डिसीज़न मेकिंग में मैनेजर की एनालाइज uh, करके डाटा और फिर उसका प्रोडिक्ट करता है ये आउटकम ये आपको यूजफुल इंसाइट देता है और रिकमेंडेशन भी देता है जो कि एक मैनेजर के लिए बहुत ही ईजी कर देते हैं कि आप कैसे क्या है बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को चूज कर सकते हो स्पेशली वहाँ जहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं नेक्स्ट इसका और मीनिंग देख लेते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इज़ अ कंप्यूटर टूल दैट हेल्प तो ये कंप्यूटर टूल है जो कि आपकी हेल्प करता है बेटर डिसीजन लेने के लिए एनालाइज करके डाटा और ये आपको देता है यूजफुल सजेशंस भी इट इज़ लाइक हैविंग अ स्मार्ट असिस्टेंट इसको हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये आपके पास है तो इसका मतलब आपके पास एक ना स्मार्ट असिस्टेंट है जो आपकी हेल्प कर रहा है ठीक है जो हेल्प कर रहा है मैनेजर की चूज़ करने में बेस्ट ऑप्शन जब एक मैनेजर को क्या करना है सॉल्व करना है एक प्रॉब्लम को तो और देख लेते हैं इसका मीनिंग अ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड टूल जो हेल्प करेगा लोगों की डिसीज़न लेने में एनालाइज करके लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड प्रोवाइड करता है आपको कुछ रिकमेंडेशनस इससे आप सॉल्व कर सकते हो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को और प्रेजेंट कर सकते हो यूजफुल इन्फॉर्मेशन को प्रिडिक्ट भी कर सकते हो आउटकम्स को एंड ये क्या है आपको ऑप्शन देता है और ये आपको हेल्प भी करता है डिसीज़न मेकर को कि वो कैसे चूज करे बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन तो अब इसकी एडवांटेजेस देख लेते हैं तो सबसे पहली एडवांटेज है इसकी इम्प्रूवड डिसीजन मेकिंग ये हेल्प करता है यूज़र की कि वो बेटर डिसीज़न ले सके इन्फॉर्म्ड डिसीज़न ले सके आफ्टर एनालाइजिंग द डाटा ठीक है उसके बाद सेव टाइम डी एस एस स्पीड अप द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस तो जैसे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है इसे स्पीड अप कर देता है डी एस एस कैसे ये क्विकली प्रोवाइड करता है आपको सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए एक डिसीजन लेने के लिए थर्ड थर्ड uh, है हमारा पॉइंट इन्हांस एफिशिएंसी ये हेल्प करता है आपकी कि जो भी आपको डिसीजन मेकिंग लेनी है वो आप तुरंत ले लो ठीक है तो इससे कहीं ना कहीं रिड्यूस होते हैं एरर्स एंड इंप्रूव होती है ओवरऑल एफिशिएंसी आपकी फिर है डाटा ड्रिवन डिसीज़न जो भी आप ले रहे हो ना वो रियल डाटा के ऊपर होता है क्योंकि ये आपको प्रोवाइड कर रहा है रियल डाटा ज़्यादा एक्योरेट डिसीज़न ले सकते हो और जो आउटकम होते हैं वो भी इससे क्या आएंगे रिलायबल uh, आएंगे नेक्स्ट है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बाय ऑटोमेटिंग पार्ट्स ऑफ डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस इट फ्री अप टाइम फॉर अदर टास्क अब देखो जैसे ये आ, स्पीड में आप काम कर पा रहे हो ना तो आपके पास टाइम बच रहा है तो आप बाकी चीज़ें भी क्या है बाकी टास्क भी कर सकते हो तो ये कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है नेक्स्ट है हेल्प विद कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जब भी आप एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में फंसे होते हो जब आपको क्या है डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन में से बेस्ट चूज करना होता है या फिर किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करना होता है तो ये क्या है आपको लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन को हैंडल करके देता है काफ़ी हद तक ये आपको ये भी बताता है कि क्या क्या इसके आउटकम्स आ सकते हैं फिर आपसे ना इसी के साथ क्वेश्चन पूछा जाता है कि एप्लीकेशंस ऑफ डीएसएस इन इंडस्ट्री तो ये क्वेश्चन भी आता है कि आप इनकी एप्लीकेशन बताओ ठीक है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की इंडस्ट्री में तो सबसे पहले हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग में तो अगर हम देखें फैक्ट्रीज में ना जो डीएसएस है ये हेल्प करता है ऑप्टिमाइज़ करने में प्रोडक्शन केड्यूल्स को ठीक है ये मैनेज करता है इन्वेंट्री आपको बता देता है कि क्या री ऑर्डर होने वाला है क्या ई ओ क्यू होने वाला है एंड ये इम्प्रूव करता है सप्लाई चेन में भी ये प्रिडिक्ट करता है कि कौन सा बेस्ट टाइम है जिसमें आपको ऑर्डर कर देना चाहिए रॉ मटेरियल सो दैट आपकी क्या है स्मूद ऑपरेशन चलते रहें फिर अगर हेल्थ केयर में देखें तो जो डॉक्टर्स हैं एंड हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो यूज़ करते हैं डी को डायग्नोस करने के लिए डिजीज़ मैनेज करने के लिए पेशेंट के रिकॉर्ड एंड प्लान करने के लिए ट्रीटमेंट स्कड्यूल्स ये हेल्प करता है उनको चूज़ करने में कि क्या मोस्ट इफेक्टिव मेडिकल प्रोसीजर हो सकता है बेस्ड ऑन पेशेंट का डाटा फिर फाइनेंस में देखें तो ये कैसे हेल्प करता है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो भी डीएसएस को यूज़ करते हैं असेस करने के लिए रिस्क को प्रोडिक्ट करने के लिए स्टॉक मार्केट के ट्रेंड को एंड डिसाइड करने के लिए कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज कौन सी होनी चाहिए ये हेल्प करता है इवेलुएट करने में लोन एप्लीकेशन हो गया या मैनेजिंग फाइनेंशियल पोर्टफोलियोज हो गया इनमें भी ये हेल्प करता है फिर अगर हम रिटेल में देखें तो डी एस भी क्या है हेल्प करता है रिटेल रिटेल में कैसे ये मैनेज करता है इन्वेंट्री को प्लान करता है प्रमोशन एंड डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट क्या है

इम्प्रूव करने में ओवरऑल एफिशिएंसी को तो अब हम इसके समरी इस एडवांटेजेस की अगर हम समरी देखें तो क्या बोला है इसमें इस सारा का सारे क्वेश्चन की अगर हम समरी को अब देखें तो बोल रहे हैं डीएसएस एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल है जिसे यूज़ किया जा सकता है अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में ठीक है इम्प्रूव करने के लिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इंक्रीज़ करने के लिए आपकी एफिशियंसी एंड बेटर बिजनेस आउटकम्स के लिए ठीक है तो होप आपको एक क्वेश्चन समझ आया जिसमें आपको डी पूछा था डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या होता है तो हमने यहाँ पर इसका मीनिंग देखा थ्री स्लाइड्स में मीनिंग उसके बाद हमने इसके एडवांटेजेस देखे और आपको एप्लीकेशंस आती है बेसिकली तो एप्लीकेशंस देखी तो आपको इनका डायग्राम बना देना है इनको एक्सप्लेन कर देना है सिंपल से लैंग्वेज में हमने यहाँ समझा है बेसिकली डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या है जो आपके डिसीजन को सपोर्ट कर रहा है एक ऐसा सिस्टम है ठीक है जो कि आपको क्या है एक वैल्यूबल इंसाइट देता है नॉलेज देता है ठीक है आपको काफ़ी हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हो क्या रिजल्ट आएंगे ट्रेंड देख सकते हो तो ये सारा क्या है? हमने इसमें पढ़ा तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है जिनका भी ये सब्जेक्ट है मिलते हैं इसी सब्जेक्ट के एक और नए क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन आंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो